Good morning students, welcome back to the e-learning classes of Learners Academy English School. Today in this video we are going to study subject English, unit number 4, topic Alice in Wonderland. यहाँ पे ये बोला गया है जो लड़की होती है उसका नाम है एलिस, एलिस इन वंडरलैंड. मतलब वंडरलैंड मीन्स हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक प्लेस को बोलते हैं जहाँ बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें हो. Okay, now let's understand the story. One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन जो एलिस जो होती है ट्री के नीचे बैठी होती है और वो अपनी उसकी जो बहन होती है उसकी बहन जो स्टोरी रीड करती है स्टोरी सुनाती है तो उसको वो सुन रही होती है. Suddenly she saw a white rabbit scamper by. He had pink eyes and was wearing a blue coat. फिर अचानक वो क्या देखती है वहाँ पे एक वाइट रैबिट होता है जो पास से जा रहा था. स्कैम्पर बाय मीन्स पास से जा रहा था उसके उस लड़की के पास से जा रहा था और उसके उसके जो है पिंक आईज थे और उसने जो है ब्लू कोट पहनी थी. ओके, ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्टकोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे ही सेड ओ डियर आई विल बी टू लेट. फिर जो है वो अपनी वेस्ट कोट मतलब अपनी पॉकेट से अपनी जो उसके उसने जो कोट पहनी थी उसके पॉकेट से जो है एक बहुत बड़ी वॉच निकालता है और वो जल्दी से भागता है. ठीक है, फिर वो रैबिट जो है क्या बोलता है, ओ डियर आई विल बी टू ये, ओ डियर मैं बहुत लेट हो गया हूँ. ओके, नाउ शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. तो फिर एलिस क्या देखती है उस रैबिट को और क्या सोचती है कि उसको ऐसा लगता है कि रैबिट तो बहुत डिफरेंट है ना, इस रैबिट में कुछ अलग है. ठीक है, देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट. ओके, इट कुड टॉक, इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच. मतलब वो एलिस देखती है कि ये बहुत ही अलग है, ये रैबिट तो बोल सकता है, एक रेड कोट पहनता है और वो वॉच भी कैरी करता है. एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. एलिस जो फिर हैरान हो जाती है, क्या हो जाती है, वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स हैरान हो जाती है. वो सोचती है कि एक बोलता हुआ रैबिट, एक रैबिट जो कोट पहनता है. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, एलिस जो है क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा से सोच रही थी. बर्निंग मीन्स बर्न कर रही होती कि क्या हो रहा होगा, ये कैसे बोलता है, ये कौन है रैबिट, चलता हुआ रैबिट बोलता हुआ रैबिट है ना. एंड शी फॉलो द वाइट रैबिट, उसके बाद वो उस रैबिट को फॉलो करने लगी. ना द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. फिर जो है रैबिट जो है वाइट रैबिट जो था वो जो है भागना शुरू कर दे, वो रनिंग कर रहा था ना, भागना शुरू कर दे और उसके पीछे जो एलिस फॉलो कर रही थी, उसको पीछा कर रही थी एलिस उसके पीछे पीछे रैबिट के पीछे पीछे. ओके, द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल. फिर अचानक जो रैबिट जो है उस होल में गिर जाता है. ठीक है, पॉप डाउन मीन्स नीचे गिरना, एक बहुत बड़ा होल होता है जो उसमें रैबिट गिरने लगता है. ठीक है, एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल, एलिस भी उसके पीछे पीछे वो होल में जंप करती है. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल. रैबिट जो है नीचे गिरते रहता है उस रैबिट होल में. ठीक है, एलिस सेड अलाउड, वेयर एम आई, हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन. फिर एलिस जो है जोर से बोलती है, कहाँ पे हूँ मैं, कितने माइल्स में नीचे गिर चुकी हूँ, कितने माइल्स नीचे मैं आ रही हूँ. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. फिर वो बोलती है, ज़रूर मैं इतनी नीचे आ गई हूँ, आई थिंक मैं अर्थ के सेंटर में तो आ ही चुकी हूँ. शी वॉन्डर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड. कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इतनी नीचे आ गई हूँ कि अर्थ के साइड में ही गिर जाऊँ, है ना. थम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. थम्प सी आवाज़ आती है, फिर एलिस जो है लैंड करते, मतलब एलिस जो है उस होल में गिरती तो है फिर कहीं पे लैंड करती है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, थम्प सी आवाज़ आती है ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. पाइल मीन्स ढेर. जब वहाँ पे वो लैंड करती है वहाँ पे क्या देखती है, सूखे पत्ते यानी ड्राई लीव्स के बहुत सारे ढेर होते हैं.
She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. फिर जो है वो क्या देखती है, वो मतलब जब पीछे मुड़ी थी जो अराउंड, मतलब लुकड अराउंड क्विकली, जल्दी से वो लुक कर उसके तरफ देखती है, तो देखती है वहाँ पे वाइट रैबिट होता है अगेन, वहाँ पे उसको दोबारा उधर रैबिट को देखती है. इट डिसअपीयर्ड सेइंग ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग. फिर जो है वो वाइट रैबिट जो अचानक गायब हो जाता है, वो बोलते बोलते गायब हो जाता है. और क्या बोलता है वो, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, वो मेरी कान और विस्कर्स मीन्स मुझे, हाउ लेट इट्स गेटिंग, वो मैं कितना हो रहा हूँ. वो वहाँ पे जब वहाँ पे गिरा था उस होल में, तो क्या कहते, तो उसके काने और उसकी जो है मुझे ख़राब हो चुकी थी, है ना. तो बोलता हाउ इट्स लेट, हाउ लेट इट्स गेटिंग, है ना, क्योंकि वो लेट हो रहा था कहीं पे, आई थिंक वो ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, है ना, तभी तो उसने उस तरह के कोट पहने थे. नाउ एलिस स्टूड अप एंड सो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 inches हाई. एलिस जो है फिर उस होल में जब गिरी होती है, फिर जब अब अचानक वो उठती खड़ी होती है और देखती है वहाँ पे एक छोटा डोर है अबाउट 15 inches हाई, वहाँ पे 15 inches जो है वो हाई होता है, ठीक है. उस डोर की जो इंच बताएगी वो कितना इंच है, 15 inch होता है. इट वॉज़ टू स्मॉल फॉर हर टू गो, मतलब वो इतना छोटा है कि वो उसमें से वहाँ पर उसके अंदर से नहीं जा सकती है. शी सो अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन, मतलब वहाँ पे जो है एक ग्लास टेबल देखती है, जो टेबल जो होता है वो ग्लास का होता है, विथ अ गोल्डन, वो सोने का होता है, गोल्डन की ऑन इट मीन्स कि वहाँ पे जो गोल्डन कांच का टेबल होता है और सोने का चाबी होती है, ठीक है, उस पर. शी ट्राई द लिटल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड. लेकिन वो जो अब क्या करती है, वो ट्राई करती है वो गोल्डन की, मतलब जो सोने की चाबी होती है वो लॉक में फिट करने की कोशिश, खोलने की कोशिश करती है. एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, वो देखती है कि ये उसमें फिट हो चुका है, वो लॉक में फिट हो चुका है ना वो चाबी. एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन. फिर जो है जब वो एलिस जो है वो द गेट जब वो ओपन करती है, तो क्या देखती है कि लुक इनटू द लवलीस्ट गार्डन, वो देखती है लवली सबसे प्यारा गार्डन शी हैड एवर सीन. आज तक उसने ऐसा गार्डन, इतना प्यारा गार्डन नहीं देखा है. हाउ शी लॉन्ग टू बी अमॉन्ग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स. लेकिन वो क्या होता है, एलिस जो है वो वहाँ से, वो डोर से जो बहुत छोटा है तो वहाँ पर निकल नहीं पाती है. फिर वो फिर पछताती है, वो सोचती है कि वो मिस करती, लॉन्चमेंट मिस करती, ओ काश ये मैं देख पाती, काश मैं उधर जा पाती, अमॉन्ग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स. मतलब बेड्स मीन्स जो फूलों की क्यारियाँ हों, बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ हों, सोचती काश मैं वहाँ पर जा पाती, है ना. तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वो विंडो से देख रही होती है कि कितनी अच्छी फूल है, कितनी फूल फाउंटेन्स है ना, फाउंटेन्स यानी फवारे गिर रहे होते हैं, है ना. फिर बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो अपना जो है सर भी नहीं निकाल पा रही है उस डोर से, क्योंकि वो उस एलिस के लिए उस डोर इतना छोटा पड़वाता है ना. फिर उसके बाद वो क्या बोलती, ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर शी क्लेम्ड लाउडली. अब एलिस क्या बोलते, ओ मैं ऐसा विश करती हूँ कि आई कुड बिकम स्मॉलर, काश मैं छोटी हो जाती. शी एक्सक्लेम लाउडली, वो जोर से बोलती काश मैं छोटी होती और इस इधर से जा पाती, उस डोर से जा पाती, है ना. इसकी राइटर कौन है, बाय लुईस कैरोल, एडेप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड. एलिस इन वंडरलैंड की राइटर कौन है, लुईस कैरोल. और ये जो बहुत बड़ा स्टोरी था, होता है हमें इसने जो है लुईस कैरोल ने इसमें एक छोटा, एलिस इन वंडरलैंड बहुत बड़ा स्टोरी है पर इसने एक छोटा सा पार्ट लिया है. ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू द न्यू वर्ड्स, स्कैम्पर. स्कैम्पर मीन्स दौड़ना. हरी, हरी मीन्स जल्दी में. पॉप मीन्स नीचे गिरना. डिसअपीयर्ड मीन्स गायब हो जाना. विस्कर्स मीन्स मूंछे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड न्यू वर्ड्स. नाउ मूविंग फर्दर टू द एक्सरसाइज, रीडिंग इज फन. फर्स्ट, व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी
व्हाट डिड एलिस सी, जब वो अपनी एलिस जो अपनी बहन से स्टोरी सुन रही थी तो एलिस ने क्या देखा, क्या देखा, शी सॉ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय, है ना, उसने क्या देखा, एक वाइट रैबिट को जो दौड़ रहा था उसके बाजू से, है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ, एलिस ने जो रैबिट देखा था उसमें उसके अंदर क्या डिफरेंट था, उसमें से क्या अलग बात थी। There was very something different about this rabbit. It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. मतलब एलिस बोलती है कि वो बहुत डिफरेंट था, है ना, वो रैबिट बहुत डिफरेंट था, वो चल सक वो बोल सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, वो एक लाल कलर की कोट पहनता है और वो वॉच भी कैरी करता है। ठीक है, एलिस जो है उस वाइट रैबिट में ये सारे डिफरेंस देखती है। नाउ थर्ड, वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट जो है कहाँ जाता है। रैबिट जो उस एक सडनली जो है रैबिट पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल, रैबिट जो है एक अचानक जो है एक होल में नीचे गिरता है। ठीक है, उस रैबिट होल में जाता है ना। फोर्थ, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस जो है उस वंडरलैंड में कैसे पहुंची, एलिस कैसे पहुंची। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू। ठीक है, एलिस भी जो है उसका रैबिट के पीछे करते करते जो है जहाँ पे रैबिट उस होल में जंप करा था, तो एलिस भी उसके पीछे पीछे फॉलो करी थी रैबिट को, और उसके पीछे पीछे जाती है, फिर उसके बाद वो जो उस होल रैबिट होल में वो भी जंप करती है, है ना। वैसे ऐसे करके वो जो है वो वंडरलैंड में पहुँचती है उस होल रैबिट होल के थ्रू। फिफ्थ, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी, क्या जो है बहुत अजीब चीज़ें जो है एलिस ने, स्ट्रेंज में अलग अजीब चीज़ें जो एलिस ने देखी। एलिस ने क्या देखी उधर, एलिस ओपन द डोर एंड लुक इन टू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सी। जब वो एलिस ने जो डोर ओपन किया था तो उसने कहते लवलीस्ट गार्डन, उसने सबसे प्यारा गार्डन देखा था जिसने आज तक कभी नहीं देखा हो, है ना। उस नाउ सिक्स्थ, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स दैट द गार्डन दैट एलिस सॉ। आप लोग बच्चों अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करो जो एलिस ने जो गार्डन देखा हो। ओके, ना कमिंग टू एट, टेक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो हमें जो है क्वेश्चंस दिए हुए वहाँ पे सबके ऑप्शन अलग अलग दिए हुए, तो हमें जो है करेक्ट आंसर जो है टिक करना होगा। यहाँ पे हम पहले देखें रेड जो रेड डॉट दिया उसके बाजू में क्या लिखा हुआ है, द रैबिट हैड, रैबिट के पास क्या था, वाइट आइस, मतलब उसकी आँखें वाइट थी, बिग आइस, उसकी आँखें बड़ी थी, पिंक आइस, जो उसकी आँखें पिंक थी। द राइट आंसर इज पिंक आइज, उसके आँखें पिंक थी। नाउ नेक्स्ट, हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, कौन जो है क्यूरियोसिटी से जल रहा था, मतलब कि जिज्ञासु से सोच रहा था कि यहाँ क्या हो रहा, यहाँ पर रैबिट कैसे बोलता है, हमने देखा था ना स्टोरी में रैबिट कैसे चलता है, है ना। तो कौन क्यूरियोसिटी से बर्निंग हुआ था, एलिस, जो इस स्टोरी में एलिस जो क्यूरियोसिटी से बर्निंग हुई थी, द रैबिट की चिल्ड्रेन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, एलिस, फर्स्ट आंसर एलिस। ओके, हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, कौन जो है उस होल के अंदर नीचे गिरे जा रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन दी एलिस, माउस यानी चूहे, द रैबिट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, द रैबिट। नेक्स्ट, हु सेड ओ माय ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग, वो मैं कितना लेट हो रहा हूँ, मेरे मूछे जो कान है जो ख़राब हो चुके, किसने कहा था ये सेंटेंस, द रैबिट, एलिस ने, कि एलिस की सिस्टर ने, कि एलिस की बहन ने। द राइट आंसर इज द रैबिट। नाउ द रैबिट गार्डन एलिस सो वास, जो गार्डन एलिस ने देखा तो कैसा था, बिग बड़ा था, लवली प्यारा था, स्मॉल यानी छोटा था। तो आंसर क्या है, लवली वो प्यारा था। नाउ चिल्ड्रेन, आई हैव एक्सप्लेन्ड स्टोरी, न्यू वर्ड्स एंड एक्सरसाइजेज। चिल्ड्रेन, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन ऑल योर डाउट्स विल बी सॉल्व इन डाउट्स क्लियरिंग सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।